मैं प्रिया आपके साथ। ओडिशा रेल हादसे की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। जांच एजेंसी ने भानगा स्टेशन को सील कर दिया। अगले आदेश तक इस स्टेशन पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी नहीं रुकेगी। हर दिन यहाँ से करीब 170 ट्रेन गुजरती है। हादसे के बाद 60 ट्रेन रुक रही थी। ये जानकारी रेलवे अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी के हवाले से दी है। रेलवे अधिकारी चौधरी ने बताया कि सीबीआई ने जांच के दौरान स्टेशन में मौजूद सभी दस्तावेज चेक किए, लॉग बुक, रिले पैनल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली है। बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 1208 लोग घायल हुए थे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम शुक्रवार को दुर्घटना स्थल पहुंची थी। एजेंसी ने यहां कई जगहों से कुछ जरूरी सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद करीब 2 बजे तक पैनल और रिले रूम की जांच की। टीम ने दोनों रूम और डेटा लॉकर को सील कर दिया। माना जा रहा है कि सीबीआई को हादसे से जुड़े कुछ अहम सबूत मिल सकते हैं। 2 जून की रात करीब 10 बजे मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि 2 यात्री गाड़ियां और 1 मालगाड़ी टकरा गई। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। इसके अगले दिन 3 जून को दोपहर 2 बजे तक मरने वालों का आंकड़ा 288 पहुंच चुका था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर 1 मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटनास्थल से 1 यात्री जिंदा मिला। हादसे के वक्त वह बोगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले दिलाल के रूप में हुई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।